Very very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. Takshak. आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 1 एंड इसमें हम कर रहे थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम प्लोइंग ऑफ सोयल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोविंग ऑफ द सीड्स. सो सोइंग जो है दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. यानी कि जब भी हम बात करते हैं फसल की पैदावार की तो सोइंग का मतलब होता है बीज को उगाना, बीज को बोना, मतलब इनफैक्ट सोयल के अंदर बीज का डालना. ठीक है, बिफोर सोइंग आपको क्या करना होगा, कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं जैसे गुड क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स, मतलब गुड वेराइटी सीड्स जो है वो सिलेक्ट करने रहते हैं. जो फार्मर्स हैं दे प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड, ताकि जो आपको पर हेक्टेयर क्रॉप का प्रोडक्शन है वो अच्छा मिल सके. तो अब यहाँ पे पहले क्या सोच रही है कि जो सिलेक्शंस ऑफ सीड्स कैसे करते होंगे. तो एक दिन पहले क्या देखती है, पहले बता रही है कि वन डे आई सो माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल, यानी कि एक बर्तन में कुछ चने के सीड लिए एंड पुट सम वाटर ऑन देम, उनके ऊपर कुछ वाटर ऐड किया. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जो सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप. सो ऐसा क्यों हुआ, मतलब कुछ जो सीड्स थे दे आर सिंक इन वाटर बट कुछ सीड्स जो है दे आर स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, तो ऐसा क्यों. तो पहली बोल रही है कि आई वॉज वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. सो यहाँ पे पहले के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1.1. इस एक्टिविटी में हम एक बीकर लेंगे और बीकर को आधा पानी से भर लेंगे. उसके बाद हम कुछ व्हीट के सीड्स लेंगे और उनको हम बीकर में डालेंगे एंड स्टिर वेल. उसके बाद कुछ टाइम तक आप वेट कीजिए. आपको ये देखना है कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ सीड ऐसे हैं जो वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं. एंड वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्योंकि कुछ जो सीड्स हैं दे आर सिंक इन वाटर और कुछ सीड्स आप देखेंगे कि दे आर फ्लोटिंग ऑन वाटर. तो अब आप ये बताइए कि जो फ्लोट करने वाले सीड्स हैं दे विल बी लाइटर और हैवियर देन द सीड्स विच आर सिंक. ऑब्वियसली ये हमें क्या पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो लाइटर थिंग्स हैं दे विल फ्लोट ऑन वाटर और जो हैवियर थिंग्स हैं दे गेट सिंक इन वाटर. तो ऑब्वियसली जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं वो क्या होंगे, लाइटर इन वेट. तो ये लाइटर कैसे हो गए, इसका मतलब क्या है, दीज आर द डैमेज्ड सीड्स. डैमेज कैसे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कीट्स जो हैं इनको ख़राब कर देते हैं और जो डैमेज सीड्स हैं दे बिकम होलो एंड होलो होने की वजह से दे आर लाइटर इन वेट देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. क्योंकि एक्चुअल में इसने वो डिटेल नहीं बताया है कि सीड्स जो है डैमेज क्यों हो जाते हैं. कई बार क्या होता है जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन सीड्स को खाते हैं और इनको खोखला कर देते हैं, होलो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो है डैमेज हो जाते हैं और वेट में जो है हल्के हो जाते हैं, दैट्स वाई दे फ्लोट ऑन वाटर. सो अगर हमें सीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सीड अच्छा है कौन सा नहीं है, तो दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस. तो ये हमने देखा कि सोइंग के पहले किसान जो है, फार्मर्स जो है, वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करते हैं. सो बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स. अब सेकंड पहली थिंग हो गई कि आपने सीड्स की क्वालिटी वाइज सीड्स को सिलेक्ट किया. सेकंड थिंग कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जो सीड्स उगाने के लिए यानी कि सीड्स की बुआई के लिए यूज होते हैं. तो कुछ ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रेडिशनल टूल, ये दिस इज़ द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स. एंड इसमें क्या होता है, ये देखेंगे ना आप हल्के जैसा ही इसके साथ जोड़ा गया है और इसमें ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज़ लाइक ए फनल पार्ट, है ना, मतलब फनल की तरह इसकी शेप होती है. इसमें जो है सीड को भर लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये होलो पाइप से इसको नीचे तक इसको सोयल से कनेक्ट किया गया है. तो उस होलो पाइप के थ्रू और जैसे इसको यहाँ पे ये जो ओक्स हैं इनको प्लो से मतलब जोड़ दिया गया है और उसके बाद प्लो से क्या होगा, सोयल टर्न होगा, लूज होगा और ये जो सेकेंड वाली पाइप है जो फनल के साथ कनेक्टेड है यहाँ से सीड जो है सोयल के अंदर एंटर करेगा. तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको कि जो सीड्स हैं दे आर फील्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन, मतलब नीचे सोयल में जाते हैं थ्रू टू
और थ्री पाइप्स, और ये जो इनकी जो नीचे वाली पाइप है उसका जो एंड है वो बिल्कुल शार्प रहता है, ताकि ये जो सीड्स हैं वो सोयल के अंदर जाएं और कवर हो जाएं सोयल से, है ना। दीज एंड्स पियर्स इन टू द सोयल एंड प्लेस सीड्स देयर, यानी कि सोयल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, एंटर करते हैं सोयल के अंदर और वहाँ पर सीड को रख देते हैं। सो यहाँ पर ये हमने समझा ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग द सीड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सीड ड्रिल। ये एक मशीन होती है, इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इसके साथ एक कनेक्टर लगा दिया जाता है। ये जो है ये जो पाइप आपको होलो पाइप दिख रही है, इसमें जो है एक मिनट, इस तरीके से यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर एक बॉक्स रखा जाता है और इस बॉक्स के अंदर जो है सीड्स को भर लिया जाता है, ठीक है। अब इस बॉक्स को जो है यहाँ से ये जो होलो पाइप है इससे कनेक्ट किया है। अब क्या होगा कि आप ये जो सीड ड्रिल मशीन देख रहे हैं, इस होलो पाइप से यहाँ पे आप देखोगे और इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी पाइप्स लगी हुई हैं। अब क्योंकि ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ पे पाइप में आपके सीड्स हैं, तो ये सीड्स क्या होंगे, जो ये अलग अलग पाइप्स हैं इन सब से अलग अलग जगह पे जाएंगे और एक ही साथ आप देखोगे कि देखो खेत का कितना एरिया में एक साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, सीड्स की बुआई कर सकते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स कर सकते हैं। तो ये अब आप देखें यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। नाउ ए डेज द सीड ड्रिल, ये जो आपको फिगर में दिखा रखा है, द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स की हेल्प से करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप हल्क की हेल्प से करोगे तो उसमें केवल इतना एरिया एक बार में कवर हो पाता है और इसमें आप देखोगे कि इसका मतलब 5 to 10 times एक साथ कवर हो जाता है। तो ये और ट्रैक्टर जो है आपका डीजल से चलेगा, एक मशीन है तो मशीन से काम हमेशा ही फास्ट होता है। दूसरा इसमें आप ये देखोगे कि देखो ये जो पाइप्स इसमें कनेक्ट की गई हैं, होलो पाइप्स हैं और इनसे ही सीड जो है सोयल में जाता है, तो ये एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस में है, ठीक है। तो दिस सोज द सीड, ये जो सीड ड्रिल है, दैट सीड ड्रिल विल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, यानी कि एक पर्टिकुलर डेप्थ में, जिससे मतलब आपका सीड कवर भी हो रहा है और इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स की बुआई की जा रही है। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाई द सोयल आफ्टर सोइंग, क्योंकि अब ये जो है क्या करती है, सोयल को साथ साथ टर्न भी कर रही है और सोयल को टर्न कर रही है, तो जैसे सीड डाला तो वो जो सीड है दैट इज कवर्ड विद सोयल। अब जो सीड को हमने सोयल से कवर कर दिया, तो कवरिंग ऑफ द सोयल्स प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बींग ईटन बाय द बर्ड्स, क्योंकि अगर बर्ड्स को ओपन में सीड दिखेगा तो उनको खा जाएंगे, लेकिन अगर उनको सीड्स दिखाई नहीं देगा तो हमारा जो हम क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए जो सीड सोयल के अंदर डाले हैं तो वो सीड हमारा बच जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम्स एंड लेबर, यानी कि सीड ड्रिल अगर हम मशीन यूज करते हैं तो इट सेव्स टाइम्स एंड लेबर। तो ये हमने पढ़ा सीड ड्रिल के बारे में। अब यहाँ पे हम सुन लेते हैं कि बुझो जो है क्या जानना चाह रहा है। बुझो कह रहा है कि देर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल एंड आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कैप्ट इन स्मॉल बैग्स, तो वाई आर दे कैप्ट लाइक दिस, वो स्मॉल बैग्स में लिटिल प्लांट है ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे पहली क्या आंसर करती है कि कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं, जैसे पैडी प्लांट्स हैं, तो दे आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, हम सीड्स को पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं और जब ये सीड्स हमारे छोटे छोटे सीडलिंग्स बना लेते हैं, व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स देन दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड्स मैन्युअली, यानी कि उसके बाद हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं खेतों में मैन्युअली, हाथों से लगाते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि धान की खेत में कैसे मतलब धान के पौधों की बिजाई की जाती है, तो वो पौधे बोलते हैं हम उनको। पौधे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके जो सीड्स हैं उनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है और जब सीड्स जो है सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये जो सीडलिंग्स हैं इनको हम खेतों में लगाते हैं। और इसके अलावा सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन नर्सरी, ये भी जो पहेली है वो बुझो को बताती है। अब हमने बात की थी कि अगर हम सीड ड्रिल मशीन यूज करते हैं तो जो हमारे सीड्स हैं वो एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे सोयल के अंदर जाते हैं। तो जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे जाने से फायदा क्या होता है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि अगर प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो क्या होगा,
जो पौधे हैं उनको सफिशियंट सनलाइट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, सोइल से वाटर में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मतलब इसलिए हम क्या करते हैं, जो सीड्स हैं उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखते हैं, एक सफिशियंट डिस्टेंस उनके बीच में रहती है, ताकि जो हमारे ओल्ड प्लांट्स हैं दे कैन गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल्स। कई बार क्या होता है, अगर बाय मिस्टेक एक ही साथ बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं तो वी हैव टू रिमूव फ्यू प्लांट्स टू प्रिवेंट द ओवरक्राउडिंग। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सोविंग ऑफ सीड्स, मतलब एक और हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।